जय बाबा गोदरी वाला। बाबा हरदास राम साहेब बचपन से ही आध्यात्मिक वृत्ति के थे। दादी के साथ उन्होंने सभी पाठ सीख लिए थे, ऐसा कोई पाठ नहीं था जो उनको नहीं आता था। सुखमणि साहेब, दुख भंजनी, जपजी साहेब, जाप साहेब, गुरु ग्रंथ साहेब, सब कुछ उन्होंने दादी के साथ पढ़ना सीख लिया था। और उनका परमात्मा में, गुरु नानक जी में पूरा विश्वास था बाबा का बचपन से ही। क्लास में जब टीचर ने उनको मारा था तो उन्होंने 3 प्रण लिए थे। पहला था कि मैं किसी से कभी शिकायत नहीं करूँगा, दूसरा था कि मैं हमेशा मीठे वचन बोलूँगा, तीसरा था कि मैं हमेशा सबकी भलाई करूँगा। बाबा ने ये वचन पूरी जिंदगी पालन किए। उनको कोई भी देखता था तो उन्हें ऐसे ही लगता था ये कोई महापुरुष है। उनके भाई भी हमेशा उनके लिए यही कहते थे कि ये बहुत बड़े दरवेश बनेंगे, बहुत बड़े संत बनेंगे। बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर हरदास बालक ने बचपन में ही सीख लिया था। क्लास में 2 बच्चों का जब झगड़ा हुआ, एक ने पुस्तक फाड़ी, दूसरा रो रहा था, उसने जाके टीचर से कंप्लेन की, तो बाबा से वो दुख भी देखा नहीं गया। वो टीचर को कहते हैं कि ये बुक मैंने फाड़ी है, तो जो पहला बच्चा था वो सजा भुगतने से बच जाता है। अब बाबा की और एक कथा मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा को जो भी देखते थे वो कहते थे इनके मुख पे सरस्वती बैठी हुई है। उनको सब पाठ ऐसे याद होते थे जैसे उनके पिछले जन्म से वो पाठ पढ़े हुए हों। सबको सरप्राइज होता था, सबको आश्चर्य होता था कि इतना छोटा सा बच्चा इतने सब पाठ कैसे पढ़ लेता है। एक दिन ऐसे हुआ कि बच्चे खेल रहे थे और एक बालक ने दूसरे बालक के साथ चीटिंग की, कोई गेम खेल रहे थे, तो बाबा बहुत गुस्से में आ गए, उनसे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं होता था। तो बाबा ने अपने फ्रेंड को बचाते हुए, अपने एक दोस्त को बचाते हुए जो चीटिंग कर रहा था, सुदामा नाम था उसका, तो बाबा कहते हैं कि सुदामा तुझे भगवान देख लेगा। तो अपने दोस्त को बचाकर घर लेकर आते हैं और थोड़ा गुस्से में रहते हैं और सुदामा को उन्होंने कह दिया कि तुम्हें भगवान देखेगा। अब हुआ यूं, 3 दिन के बाद उन सुदामा के माता पिता हरदास बालक के घर आए और आकर कहते हैं कि हरदास, तुमने जब से हमारी सुदामा को कहा है तुम्हें भगवान देख लेगा, तब से वो बच्चा बुखार में तप रहा है। अब चलो, तुम ही चल के उसे माफ करो ताकि उसका बुखार उतर जाए। तो हरदास बालक जब ये शब्द सुनते हैं रो पड़ते हैं, तो उनकी माता उन्हें कहती है कि जाओ, जाकर सुदामा को देख कर आओ। हरदास बालक सुदामा को देखने जाते हैं। वहां उन्हें उस बुखार में तपता हुआ देखकर रो पड़ते हैं और हाथ जोड़कर ऊपर परमात्मा की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखकर वो कहते हैं कि मैंने मन से कुछ नहीं बोला था, ये वचन मेरे मुंह से निकल गए, मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी वजह से इस बच्चे को बीमारी हुई है, ये बुखार हुआ है इसे। तो परमात्मा से माफी मांगते हैं, अपने वचन वापस लेते हैं। सुबह से लेकर रात तक सुदामा की सेवा करते हैं, 2-3 दिन ऐसे सेवा करते हैं। सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे घर पर, फिर सुबह जाते थे। उनका जैसे नींद ही उनकी हराम हो गई हो, उन्हें चैन नहीं आ रहा था जब तक सुदामा ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसे दरवेश जिन्होंने मुख से कुछ शब्द निकाले और वो हो गए, परमात्मा उनकी हर समय सुनता है।
तो उनके मुख से निकला कि सुदामा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हें भगवान देख लेगा। और सुदामा को बुखार हो गया था। बाबा ने जाकर परमात्मा से प्रार्थना की, अरदास की कि इसको ठीक कर दो। और 3 दिन में सुदामा ठीक हो गए थे। अब के जमाने में ये कथाएं जब सुनते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम चमत्कारों में विश्वास कर रहे हैं, या हम चमत्कारों में विश्वास कर रहे हैं, या चमत्कार है इसीलिए हम उनको मान रहे हैं। बेसिकली इस कथा में से हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि जिन्होंने भी परमात्मा को सरेंडर किया है, समर्पित किया है, जैसे हरदास बालक ने बचपन में ही अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो उनके मुख पर सरस्वती बैठती थी। हम कहते हैं आम भाषा में कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुख पे बैठती है, हम जो बोलते हैं वो सच होता है। लेकिन संत महात्मा जो लोग 24 घंटे अपने परमात्मा से जुड़े रहते हैं, वो 24 घंटे जो बोलते हैं वो जरूर होता है। तो ये जो गिफ्ट थी बाबा को, ये जो बाबा के अंदर एक ताकत थी, वो बचपन से ही थी। हम ये कथाएं क्यों सुन रहे हैं? हम ये कथाएं इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम उन्हें याद करके उनके आशीर्वाद पाना चाहते हैं, बाबा को याद करके बाबा के आशीर्वाद पाना चाहते हैं। जैसे आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो तो आप देखोगे कहीं पर भी कथा नहीं बताई गई है, हर अध्याय में उस पे कहा गया है कि उन्होंने सत्यनारायण की कथा की, उन्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ। सेकेंड में कहा गया है इन्होंने कथा की, इनका व्यापार का नुकसान नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कथा अंदर क्या है वो नहीं बताई गई है, उसमें बताया गया है कि इन्होंने कथा पढ़ी, इनके दुख दूर हो गए, इनको सुख मिले। तो इस सत्यनारायण की कथा में से हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि हमें उन्हें याद करना है, हमें विष्णु भगवान जी को याद करना है, सत्यनारायण को याद करना है। उनको याद करने से हमारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें सुख मिलते हैं। तो जब हम ये कथाएं सुनते हैं, संतों की कथाएं सुनते हैं, बाबा हरदास राम जी की कथाएं सुनते हैं, तो उनकी जब महिमा गाते हैं तो हमें उनका सुनने से आशीर्वाद मिलता है। जितनी हम कथाएं उनकी सुनते हैं हमें आशीर्वाद मिलता है। हमें संतों का आशीर्वाद भी पाना है और उनके जो भी सीख है हमें उस पर भी चलना है, उनके जो भी वचन है उनकी भी पालना करनी है। बाबा जैसे कहते थे शिकायत मत करो, तो कभी भी शिकायत नहीं करनी है। वो कहते थे नाम सिमरन करो, तो हमेशा हमें नाम सिमरन करना है। गुरु दर से जुड़े रहो, तो हमें गुरु दर से जुड़े रहना है। बाबा से कोई पूछता था बाबा किसको गुरु बनाए, तो बाबा कहते थे तुम्हारी मातृभाषा क्या है, वो किसी से पूछते हो क्या? तुम्हारी मातृभाषा तुम्हें कौन बताता है? तुम्हारी मातृभाषा तुम्हें तुम्हारी माता जी बताती हैं। तो तुम्हारे गुरु भी वही हुए जो तुम्हारे माता के गुरु हैं। तो माता के गुरु को ही अपना गुरु मानो। बाबा एक ही गुरु करें या बहुत से गुरु करें, तो बाबा कहते थे पीर करो इतने जितने रिल्ली में है चित्त। रिल्ली उसको कहते हैं जो एक गोदरी छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं, उसमें बहुत से टुकड़े ज्वाइन करके उसकी रिल्ली बनती है, गोदरी बनती है। तो बाबा कहते थे रिल्ली पीर करो इतने जितने रिल्ली में है चित्त, सिर दो एक को बाकी करो मित्त। अपने आप को एक से जुड़ा रखो। कबीर ने भी कहा है साहिब मेरा एक है दूजा कहा न जाए, जो साहिब दूजा कहूं दूजा खड़ा रसाए। तो एक ही गुरु हमें करना है और उस गुरु की महिमा गानी है, उस गुरु के वचन पर चलना है, उस गुरु के जैसा बनना है। आपको अपनी पहचान बनानी है अपने गुरु से जोड़कर। जैसे आप कोई बिजनेस करते हो तो कहते हैं
कहते हैं फलाना कपड़े वाला, फलाना किराने वाला, फलाना मशीन वाला। इस तरह से आपका जो बिजनेस होता है वो आपकी पहचान बन जाती है। वैसे ही अपने गुरु को भी आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको दर बदर नहीं भटकना है, एक गुरु और वो एक गुरु आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग कहने चाहिए कि बाबा गेला राम जो बाबा हरदास राम के शिष्य थे, तो उन्होंने अपनी पहचान बाबा हरदास राम साहब से बनाई। बाबा हरदास राम के लिए कहा जाता था वो हरदास राम जिन्होंने संत कंवर राम को अपना गुरु बनाया। तो अपने आपकी एक पहचान बनानी है हम सबको, ताकि हमें हमारे गुरु से जोड़कर याद किया जाए, उनकी महिमा सुननी है और उनकी महिमा सबको बतानी है और उन्हें याद करना है। महिमा बताना ये नहीं है कि मेरा गुरु श्रेष्ठ है, दूसरे का गुरु श्रेष्ठ नहीं है, बस उन्हें याद करना है। उनकी बातें हम जितनी याद करेंगे उतना हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उनके ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और आप जैसे हम सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि इन्होंने ये कथा सुनी उनके दुख दूर हो गए, उन्होंने ये कथा सुनी उनकी उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई, तरक्की आ गई, तो वैसे ही संतों की महिमा है। संतों की महिमा हम जितनी गाएंगे जितनी सुनेंगे उतना हमारे दुख दूर होंगे, उतना हमारे घर में आनंद आएगा, उतना हमारे घर में खुशियाँ आएंगी और अपने आप को गुरु दर से जुड़े रखें जैसे बाबा कहते थे। जय बाबा।